कोई लड़का आया था द्वारका से, अच्छा अच्छा, वहाँ सामान रख दिया तो दुकान वाले भैया बोलने लगे कि बेटा जी सामान हटाओ। जब मैं हटाने लगा तो उसने वीडियो बनाया जा रहा। मैंने कहा कम से कम इतना तो थोड़ी देर बाद बना लेना। नहीं माने, उन्होंने वीडियो बनाई। वहाँ जाके बने गए क्या क्या बोला क्या नहीं बोला। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बदनाम करने के लिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, ठीक है जी। मैं मध्य वर्ग से परिवार से हूँ। माताजी मेरे फादर जो है आज 32 साल से नहीं है। मैं 10 साल की उम्र से मेरे पिताजी गुजर गए थे। माताजी मेरी थोड़ा दिमाग से हल्के थे और मैंने उनको कोई काम नहीं करने दिया। जब से भी मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, और ये छोटे उद्योग होते थे घरों में, तो उनके लिए मैं खाना बनाता था। मेरे फादर का होटल था, कई बारी उस्ताद जी भाग जाते थे, कई बारी मेरी माता जी लगती थी, तो मैं उनके साथ में हेल्प लगता था। 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तब भी उठता था बचपन में भी, और 12 बजे तक उनके मम्मी के साथ में हेल्प करता था। तो ये वहाँ सीख लिया सर। उसके बाद जब वो छोटे उद्योग वाले थे, खाना खाते थे, चाय भी बेचता था, बड़े लेवल पर काम था उस टाइम पर। जब मेरे पिताजी गुजर गए, जब मेरे पिताजी थे तब तक तो ठीक था, उसके बावजूद गुजर गए तो लोग बाग उधारी ले लेते थे, खा के चले जाते थे। फिर सर वो मजबूरी में बंद करना पड़ा, तो टेक्निकल काम में आ गया, मोटर वाइंडिंग का काम किया। उसमें भी सर किसी ने मेरे को मतलब के लिए यूज़ किया। वो वहीं से साहब जो 25 साल काम किया, नेशनल लेवल पे चार चार लड़के काम करते थे, मोटर वाइंडिंग का काम करता था, वर्कशॉप थी ओरिएंट खराब साई एक्सपोर्ट, कई एक्चुअली क्या है कि कई कंपनियों से मैं जुड़ा हुआ था, सरकारी काम से भी जुड़ा हुआ था। कोई मध्य वर्ग के सरकारी काम थे, जेल में भी उनके कई MCD के काम थे, वहाँ से भी मोटरें आती थी, कुछ जेल से भी आती थी। तो किसी का कांटेक्ट था जो मेरे पास में आके वो मेरे को डाल देते थे, चार चार लड़के काम कर। लेकिन साहब उसमें झूठ बोलना पड़ता था, कोई काम किया किसी से ओखा होना पड़ता था, किसी के साथ परेशान होना पड़ता था, किसी लेबर को उल्टा बोलना पड़ता था, किसी से सुननी पड़ती थी, और बहुत ही ज़्यादा गर्म दिमाग में रहता था क्योंकि काम की कमी देखी नहीं थी। लेकिन सर पैसे से मैं कभी लालचीपन में नहीं रहा, ना कभी सुखी रहा ना कभी दुखी रहा। यहाँ परमात्मा ने सब, माता रानी ने सब, आप लोगों का, जो भी मेरे भाई चैनल वाले आते हैं, जो भी मेरे को इस लायक मैं नहीं हूँ साहब, वो यहाँ सर छुपाने की जगह दे रखी है। शुरू से ही यही था कि मेरा लेबर का मेरी तरफ से मन ना दुखे, बचे ना बचे कोई बात नहीं, उधर से पैसा मिले ना मिले। लेकिन सर मैं किसी की बात नहीं सुनता था, तो मजबूरी में फिर ये करना पड़ा। मम्मी कहती थी कि बेटा तू अगर ये जानता है तो इसको चालू कर ले। सिस्टर को छोटी उम्र में उनको पढ़ाया लिखाया, आज वो सरकारी नौकरी पे हैं, ठीक है जी। मेरी माताजी को लीवर कैंसर हो गया था, विमेंस में इलाज चल रहा था, मेरी कोई अच्छाई देख के वो चौधरी साहब ने, रवि साहब ने मेरे को फ्री होल्ड में डाला हुआ था। मैं कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, बस मजदूरी करता था, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। 100 टेक्निकल आदमी हो, 100-120 HP तक की मोटर वाइंडिंग करी है, और सर छोटे लेवल पर भी करा, वर्कर रख के भी काम करवाया, और सर अपना जो है मालिक बन के भी काम किया है। तो साहब उसमें झूठ बोल के काम करना पड़ता था, कभी बच्चे की परेशानी, क्योंकि झूठ बोल के जो काम करूंगा उसका पैसा कमाऊंगा। सर लक्ष्मी दो रूप में आती है, एक गरुड़ पे बैठ के, एक उल्लू पे बैठ के। जो पैसा तो बहुत है, पैसा तो दुनिया के पास में बहुत है, उल्लू पे बैठ के जो आएगी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती थी, वो साहब मेरे साथ में थी। जो आज मैं अगर 10 रुपये कमाऊँ ना भी कमाऊँ, इसमें मेरे को कोई बचता नहीं है, ठीक है। लेकिन सर मजदूर लेवल पे हैं जो मेरे भाई लोग हैं, उनका पेट खराब ना हो। कंप्यूटर के बच्चे बैठते हैं, रात में मैं हीरोस टावर पे देता था काम। एक मेरे जीतू भाई हैं, उन्होंने रात में मेरी देख के किया, वो कह रहे मैं तो नहीं आता, आप 1 बजे 1:30 बजे आप क्या नाम कहते जो है ये काम कर रहे हो। मैं इसीलिए, इतनी ठंड में 3 दिसंबर का टाइमिंग था, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। मैं तो साहब नहीं जानता था। मैं जब कोविड से पहले रात में लोगों को लिए यहाँ पे मैं आ रहा था, यहाँ पे लोगों को खाना देता था, सब मार्केट में भी लोगों ने, सब ने शुरू से पसंद किया है सर। उसके बावजूद सर मैं यहाँ पे खाना दे के 10-20-5 लोगों का, मैं साहब वहाँ ऑटो वालों की सेवा करता था, ओला उबर ऑटो वालों की, रोज टावर पे रात में लगा रहा था कंटिन्यू वहाँ पे। साहब कोविड जब से 2019 से मेरे कई अच्छा, बहुत अच्छा काम था, कुछ बच्चे मेरे जले गए जो कि शिप पे नौकरी करते थे, बहुत अच्छे इंजीनियर थे, वो लोग सब मेरे से खाना मंगाते थे, उनको खाना टेस्ट में लगाता था। यहाँ कालकाजी में रहते थे वो लोग PG में, अच्छी सैलरी थी सर। वो कोविड आया सबसे, सब जब से सर थोड़ा सा काम कम ही हुआ है,
लेकिन सर क्या है कि हिम्मत नहीं हारी और सर ढूंढ ढूंढ के लोगों को पैकेट बना बना के, अभी तक जो लॉकडाउन भी लगा ऐसा पैकेट बना के आपने देखा होगा, मैं पन्नी में पैक करके रखता हूँ, ये इस पन्नी में पैक करके रखता हूँ सर, किसी को पैकेट चाहिए होता ढूंढ ढूंढ के मजदूर भाई को मैं हाजी खाना खाया नहीं खाया, पैसा दे ना दे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं देता था, कोई चीज़ का लालच नहीं है। यहाँ पे चार रोटी रहता है, दो सब्जी रहता है, एक सूखी रहती है, गीली रहती है, जैसे कल दाल मखनी लाया था, और सर कल क्या सब्जी थी, आलू गोभी की सब्जी थी, लेकिन आज सर छोले लेके आया हूँ, ये सर छोले लेके आया हूँ, हाँ जी आज आलू मटर की सब्जी है, वो थोड़ी सी लिक्विड है, उसको सूखी नहीं बनाया, थोड़ी सी गीली बनाया कि ताकि किसी ने बोला था आपके चावल पसंद है तो चावल आप लोगों ने प्यार दिया वो खाना पसंद किया, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ी सी ये लिक्विड बनाई, और ये इस चक्कर में भी बनाई थी, मेरे जो कैमरा लग रहे हैं यहाँ पे नेहरू प्लेस में, वो बच्चे हैं वो परेड ग्राउंड में गए हुए हैं, अभी लाल किला में गए हुए हैं, वहाँ पे उनके कहने में कहते कैमरे उतारने गए हैं, उससे पहले वो लगाने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला एक बार बनाने के लिए, तो दोबारा फिर बनाई, दोबारा सर फिर उनके लिए बनाई है, तो फिर अब ये चलाने के लिए भेजा, लोगों ने पसंद किया है सर। सर ऐसा कल दिन रहा मेरे पास, मैं जब नाइट में भी काम करता था, पैसे का लालच नहीं है सर, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि किसी मजदूर भाई के 10 रुपये जेब में नहीं है, आप अपना खाए, मैं कई बार कल भी खाना नहीं खाया, परसों तो छुट्टी थी खा लिया था दिन में, उससे अगले दिन भी नहीं खा पाया, क्या करूं सर, रात में भी ऐसे होता था 2 बज जाते थे, तो वहां पे भी सर ये नहीं कि मेरे को लालच है किसी चीज़ का, कोई परेशानी है नहीं सर, लेकिन सोचता हूँ कि किसी की जेब में क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर इंडिया की सबसे नेशनल लेवल की कंप्यूटर की मार्केट है, लोग बाग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, सफ़र करके आते हैं, ट्रेन से करके आते हैं, कोई 100 रुपये का किराया दे के आ रहा है, किसी की जेब में 10 रुपये बचते हैं या 5 रुपये बचते हैं या 20 रुपये बचते हैं, खाना खाता है, और ये जो मैदा बनाते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि 4 घंटे अगर सफ़र करेगा कहीं लेटरिन बाथरूम में जाएगा कुछ जाएगा उसका पेट ना ख़राब हो, यहाँ आके वो लोग खुद कहते हैं कि हाँ आपका पसंद आया, तो सर मैं पैसे का कोई लालच नहीं है, अगर उसकी जेब में है तो भी दे उसका भला, ना दे उसका भला, कई मैनेजर कई बच्चे ऐसे हैं जो बगैर खाए भी 10 रुपये का बिल बनता है या 40 रुपये का भी बनता है, वो मुझे 100 रुपये भी दे जाते हैं, मैं उनके आगे रिक्वेस्ट, कल देखिए ये मैडम ने गिफ्ट दिया, बोले कि आप कहने में कहते स्वेटर पहनना, ये टोपी दी तो गर्म है अभी उसमें रख दिया, तो साहब मैं इस लायक नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे को सुन रहे हैं सर, मैं ये कहूँगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो मेरे नए यंग बच्चे हैं साहब, मेहनत की चोरी मत करो, मेहनत की चोरी, गलत आदमी का कभी ऊपर वाला साथ नहीं देता, सभी भगवान का नाम लेते हैं अपने मतलब के लिए धुपत्ती करते हैं, सभी सुखी हो जाए ऐसे, तो कोई ना कोई हर घर में परेशानी लगी रहेगी, आप मेहनत की चोरी मत करिए, मेहनत रंग लाती है, ठीक है जी, कुछ ना कुछ आपसे हो सके कुछ ना कुछ आप करिए, जिस भी फील्ड में हैं आप पढ़ाई के फील्ड में हैं, आप वर्किंग हैं, आप पटरी पे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए, कोविड में घंटा दो घंटा घर पे बैठेंगे सर टेंशन रहेगा, जिस तरीके मैं डिप्रेशन में रहा, मेरी माताजी चली गई, तो मुझे जो त्रेहान साहब हैं वो हमारे आईएएस लेवल के हैं, वो 30,000 कोर्ट में हैं, वो साहब वो आईएएस लेवल, उन्होंने समझाया मेरे को कि बेटा जो आया है वो जाएगा, काफ़ी डिप्रेशन में था सर माताजी के जाने के बाद, तो मैं ये कहूँगा वक्त और किस्मत भगवान, ये कमज़ोर लोगों के सहारे हैं, बलवान के साथ भगवान होता है, बलवान वो नहीं कि आपने किसी का सर फोड़ दिया, नहीं सर आप सच के साथ काम कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके हर काम सीधे होते चले जाएंगे, सच के साथ ही भगवान है। Bring the funk back.